व्यूअर्स, मैं हूँ आदिया। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आदिया रोज ब्लॉग्स। आज का जो ये मेरा ब्लॉग है ना, आप सबके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने जा रहा है। तो व्यूअर्स, तकरीबन आज से 10-15 दिन पहले मैंने ये देखें, लाहौर मेडिकेयर क्लिनिक है, हॉस्पिटल है, यहाँ से जो है ना अपॉइंटमेंट ली थी डॉक्टर शहजाद साहब से। मैंने मेरी ना आई सेट तकरीबन 5+ है, 6+ है, यानी कि दूर की जो है ना वो 6 नंबर है मेरा था। तो मैंने अपॉइंटमेंट ली डॉक्टर साहब से, उन्होंने मुझे बोला कि आपने मंगल वाले दिन आना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं मस्कत सलालम से फिर मैंने अपॉइंटमेंट ली, फिर मैं यहाँ पे आई हूँ, लाहौर आई हूँ। और परसों मेरा तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह ये लेज़र हो गया है, मेरा चश्मा जो है ना वो रिमूव करने के लिए जो मैंने लेज़र करवाया था, मैं उसके हवाले से आपके साथ बात करने आई हूँ। ये बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है वीडियो आपके लिए। व्यूअर्स, मैं जब गई हूँ ना तो उन्होंने मेरे बहुत सारे, सबसे पहले उन्होंने बहुत सारे जो है ना मेरे टेस्ट लिए हैं, मेरी आइज़ के टेस्ट लेने के बाद व्यूअर्स, उन्होंने टेस्ट लेने के बाद उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से जो है ना मेरी आई चेकअप की है। ये देख सकते हैं आप कि मेरी आइज़ का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। आके मेरी आइज़ जो है वो इसके लिए रिकमेंडेड हैं, लेज़र के लिए ठीक हैं, इनमें कोई मसला तो नहीं है। उन्होंने हर तरह के टेस्ट लिए हैं तकरीबन, ये देख सकते हैं, ये डॉक्टर्स जो है ना मुख्तलिफ मशीनों के ऊपर मेरा टेस्ट हुआ है, वो भी मैंने अपनी वीडियो में, वो भी मैंने जो है ना अपलोड की हुई हैं वीडियोज़, आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे, डॉक्टर साहब के साथ मेरी अपॉइंटमेंट हुई हुई थी, तो उन्होंने मुझे लेज़र के लिए हायर की है। अल्हम्दुलिल्लाह उसी दिन मेरा तकरीबन 4 से 5 घंटे लगे हैं, सो उन्होंने मुझे लेज़र के लिए ओके बोल दिया, क्योंकि मेरी आँखों में ऐसा कोई मसला नहीं था। 50 या 40 से जो छोटी एज के होते हैं ना, उनके लिए जो है ना ये हायर की जाती है लेज़र, कि आप अपना चश्मा रिमूव करवा सकते हैं। अगर आपका नंबर बढ़ता जा रहा है, आप चश्मा लगाते हैं तो आपकी आंखों की दर्द नहीं जाती। तो अल्हम्दुलिल्लाह से मेरी व्यूअर्स जो है ना लेज़र कामयाबी से हो गई है। आज ये मेरा 3रा दिन है, तो मैंने सोचा कि मैं अपना एक्सपीरियंस आप सबके साथ ज़रूर शेयर करूं। तकरीबन 2 दिन तो आंखों से बहुत सारा पानी वगैरह आता रहा, पेन थोड़ी सी हुई है, पेन हुई है। उसके लिए यह है कि मुसलसल बेड रेस्ट करनी पड़ती है 1 वीक। आपने लेटे रहना होता है, आपने सुकून करना होता है, आंखों को बिल्कुल भी मूव नहीं करना होता, ताकि आपकी आंखों को जितना अच्छा रेस्ट मिले उतनी जल्दी आपकी आई जो है ना वो रिकवर हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरा 3रा दिन है, तो मैं इतना अच्छा फील कर रही हूँ, मुझे हर चीज़ इतनी क्लियर नज़र आ रही है, यानी कि यही कह लें आसान लफ्ज़ों में कि दुनिया बदल गई है। चश्मा लगाती थी तो इतनी प्रॉब्लम, इतनी हेजिटेट होती थी, सर में पेन भी होता था, अब रिमूव हो गया। तो मैंने सोचा है कि ये एक इतनी अहम प्रॉब्लम है, ये इतनी अहम चीज़ है कि हर बंदे तक जो है ना ये मालूमात जानी चाहिए। तो इसलिए मैंने ये कंटेंट, ये वीडियो आप सबकी हेल्प के लिए बनाई है। तो उसके बाद ये देखें, और एक और अहम मालूमात, जब मैं वहाँ पे गई हूँ ना, हॉस्पिटल में गई हूँ ना, तो काउंटर पे उन्होंने मेरे से 3000 चार्ज किए हैं, जो कि मेरा वहाँ पे ट्रीटमेंट हुआ है, मेरा जो है ना उन्होंने चेकअप वगैरह किया है, 3000 काउंटर पे लिए हैं। फिर तकरीबन 4000 के करीब ना ये मेरी मेडिसिन आई हैं, डॉक्टर साहब ने मुझे लेज़र से पहले ये बना के दिया है कि जो ना ये आप जाके नीचे से मेडिकल से लेकर आए, मेडिकल स्टोर से। ये देखें ये सारे ड्रॉप्स वगैरह हैं, ये मैं फिर लेकर आई हूँ वहाँ से, 5 ड्रॉप्स हैं, जो कि उन्होंने बोला है कि दिन में 4-4 यानी कि घंटे के बाद आपने डालते रहना है, जब तक आप सोते नहीं हैं आप 4-4 घंटों के बाद डालते रहे, जब आपको नींद आ जाए तो फिर आपने आराम करना। तो डॉक्टर की बताई हुई तमाम हदायत के मुताबिक मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी आइज़ आज बहुत ही बेहतर है, मेरी आंखें खुल रही हैं, यानी कि पेन जो है ना वो बिल्कुल नॉर्मल रह गई है। तो मैंने सोचा कि ये इतनी अहम मालूमात है तो मैं आप सबके साथ ज़रूर शेयर करूँ। तो अगर आपको मज़ीद इसके मतलब कोई मालूमात चाहिए हो तो आप कमेंट में रब्ता कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आप सबको आपके कमेंट्स का जो है ना वो ज़रूर लाजमी जवाब दूँगी इंशाल्लाह। और हाँ,